वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हाफ लाइफ पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, लिखिएगा कि दिया हुआ है, यदि यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता एक मिनट में प्रारंभिक सांद्रता की 1/10 भाग रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ कि अभिक्रिया कैसी है प्रथम कोटि की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पता है कि K बराबर क्या होता है, वेग स्थिरांक बराबर K बराबर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, क्या होता है, लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, यही होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, यही होता है। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता। ए टी क्या है? समय टी पर, एट टाइम टी कंसंट्रेशन, टाइम टी पर सांद्रता। तो देखो क्या बोला है, ढंग से समझना। हमने मान लिया कि इसकी सांद्रता इनिशियल समय पर कितनी है, एक है, तो आपको के का वैल्यू बताना है 2.303 और समय कितना है आपका एक मिनट, तो एक लिख दिया। लॉग पता है ना आपको, बेस पे 10 होता है तो 10 तो है ही है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हमने माना एक, और हो कितनी जाती है एक का 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 लॉग 10, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू एक होती तो यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 2.303। ये रहा आपका आंसर। ए नॉट क्या है आपकी? प्रारंभिक सांद्रता। हमने मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, एक है, और टी समय में कितनी हो जाती है अपने का 1/10 भाग, तो 1/10 भाग, एक का 1/10 भाग कितना होता है 1/10। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए तो पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देते रहना है, पढ़ाई करते रहना है और हम लोग आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की, लिखिएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जबकि जब अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की
सांद्रता 0.8 मोलरता से 0.4 सॉरी 0.2 मोलरता तक जब अभिकारकों की सांद्रता 0.8 मोलरता से 0.2 मोलरता तक घटने में 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। ये रहा आपको क्या दिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिया हुआ है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो आपको यहां से K बराबर पता है, K बराबर क्या होता था, 1/T A इंटू ए माइनस का X, यही होता था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ध्यान से समझ लो यही होता था। अब इसके बाद अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/T 1/80 मतलब T पर कंसंट्रेशन माइनस 1/A0 पर कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और आपको पता है कि जब अर्धायु निकाले थे तो अर्धायु बराबर सेकेंड ऑर्डर के लिए मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कितना था, 1/KA यही था, ध्यान करो 1/KA यही था। तो यहां से यदि मैं K की वैल्यू निकालूं, यहां से यदि मैं K की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/T½ A, ये क्लियर हुआ, वैल्यू पुट करो तुरंत। A क्या है, A0 पर है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है, A क्या है, A0 है, मतलब कि यानी कि K बराबर कितना हो जाएगा, 1/T½ A0। तो बस लिख दो, तो K की जगह पर मान रख दो तो कितना हो जाएगा, 1/T½ A0। और ये समय कितना दिया हुआ है, 1/T, चलो समय तो अभी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, अब वैल्यू पुट कर दो खत्म बात, आंसर एट टाइम टी पर कितने समय पर घट जा रही है, तो घटकर हो रही 0.2, इनिशियल कितनी है 0.8, मतलब आपको ए नॉट कितना दिया हुआ है 0.8 मोलर था और बी ए कितना एटी कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर था, खत्म बात, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। टी दिया हुआ है 10 मिनट, तो यहां से 1/T½ A, ए नॉट कितना दिया, 0.8 इज इक्वल टू समय है आपका 10 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस का 0.8, इसको सॉल्व करो और आंसर जब निकालोगे तो टी हाफ की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3.33 मिनट। अर्धायु आपकी कितनी आ रही है, 3.33 मिनट, ये आपको निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है। ये आपको गिवन डेटा, ये क्या है, दिया हुआ गिवन है। चलिए उतारिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, छाप लिया, चलो चलो। अब देखो एक मजेदार बात मैं करा रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट ही है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्या है, हिंट फॉर ए नॉट एंड ए टी। ए नॉट क्या है, टी बराबर 0 पर कंसंट्रेशन, और टी क्या, ए टी क्या है, समय टी पर कंसंट्रेशन सांद्रता। पहला देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है T 20%, ये दिया हुआ है T 75%, ध्यान यही देने वाली बात है, ये दिया हुआ है T 95%। तो देखो जब यहां पर ये परसेंटेज की बात करें तो आपको ए नॉट क्या मानना है कि आपका कितना है, 100 है, तो ए नॉट इसके लिए भी 100 रहेगा, इसके लिए भी 100 रहेगा और इसके लिए भी 100 रहेगा, ठीक है। अब आपको 80 निकालना है, क्या निकालना है, 80 निकालना है,
तो ये जो टी के नीचे लिखा रहता है 20%, तो मतलब 20% क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, मतलब कि इतना खाली हो गया, इतना क्या हुआ है, खर्च हो गया, क्या हो गया, इतना खर्च हो गया। तो बचा कितना, बचा हुआ लिखना है, इतना खर्च हो गया यानी कि कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 100 में से 20 चले गए तो कितना बचा, 80। ये यहां पर कितना बचेगा, 100 में से ये 75 जो है आपका खर्च हो रहा है, 100 में से आपका 75 खर्च हो रहा है, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, बस यहां में से 95 में से, तो ये खर्च हुआ कितना, 95 खर्च हो गया, 100 में से कितना बचा, 5, तो 80 आपका आ गया। ये है, यदि आपका ये परसेंटेज में दिए रहे तो आपको A0 पर क्या मानना है कि ये कितना है, 100 है, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज में सारी चीजें क्या होती हैं, 100 पर ही तो मेजर करते हैं ना, 100 पर मानते हैं, तो ये 100 रहा। तो अब 100 में से ये कितना, ये जो 20 लिखा हुआ ये क्या है, हम कंज्यूम कर लिए, तो बचा कितना, तो बचा 80। इसी तरीके से 75% क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 25। इस तरह से 95% क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, तो कितना बचा, ये देखो। दूसरा देखो, दूसरा है कि यदि जैसे आपको दिया हुआ है T.35 दिया हुआ है, T.28 दिया हुआ है, और ये टी आपको 0.64 दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि A0 और AT। ऐसे केसों में जब ये दशमलव लगा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो हम क्या मानते हैं कि A0 कितना है, 1 है, कितना मानते हैं, 1, तो ये सब के लिए कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, सब के लिए 1 हो गया। अब यहां से ये क्या है, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, खर्च हो रहा है, कितना, ये खर्च हुआ, ये क्या है, खर्च है मेरे भाई, क्या है, ये हमारा खर्च है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ये क्या है, ये खर्च हो गया, तो बचा कितना, इतना बचा भाई, a माइनस x होता था ना, तो इतना खर्च हो गया, तो कितना बचा गया, 0.65। यहां से ये कितना जाके बचेगा, तो ये बचेगा 0.72, ये यहां पर कितना बचेगा, 0.36, दैट्स इट। ये केस समझ में आ गया है। तीसरा केस देखो कि जैसे आपका ये लिखा हुआ है T 2/3, T 4/5, T 3/4, तो यहां से अब आपको बताना है कि A0 कितना होगा और AT कितना होगा, ये बताना है। तो यदि फ्रैक्शन में भी कोई चीजें हो, किसमें हो, फ्रैक्शन में भी कोई चीज लिखी हो, तो इसके लिए क्या मानते हैं, एक, कि A0 कितना है, शुरुआत में 1 है, अच्छा, और ये जो लिखे हुए हैं ये सब जो गोले के में, जो मैं गोले में किए दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, ये खर्च हुआ, कितना हुआ, ये खर्च हो गया। तो जब एक में से इतना खर्च हो गया तो कितना बचेगा, मतलब कि एक में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/3, कितना हो गया, 1/3, इसमें से एक में से 4/5 घटेगा तो कितना आएगा, 1/5, इससे घटेगा, एक में से 3/4 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए और तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप छाप लिया होगा, छाप लिया, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन में कोई ढिला ही नहीं बरतेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तभी सब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, अदरवाइज सब डिसमिस का काम। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए,
इसमें से पहला है, पहला क्या ज्ञात करना है आपको? ये ज्ञात करना है टी 75% डिवाइडेड बाई टी 50%, ये बताना, ठीक है। फिर दूसरा आपको बताना है, इसमें से मैं आपको दो बताऊंगा, दो आपको करना पड़ेगा। एक ये है टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी 90% आपको बताना है। तीसरा आपको बताना है टी 99% डिवाइडेड बाई टी 90%, ये ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए शुरू करें, पहला शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में मैं आपको दो बताऊंगा, एक यहां तक का कंप्लीट कर दूंगा और आधा यहां तक का। चलिए तो पहला ही देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ, टी 75% डिवाइडेड बाई टी 50%। तो यहां से यदि आप देखो तो 75 के लिए, 75 का मतलब क्या है आपका, इसके लिए ए नॉट कितना है 100 और AT कितना है आपका 100 में से 75 चला गया, कितना बचा 25। इसके लिए A0 इसके लिए 50% के लिए कितना, वो भी 100 है, और AT कितना है इसके लिए 50 है, कितना है 50 है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो गई। तो यहां से देखो जब लिखोगे तो, क्योंकि कैसी है प्रथम कोट की अभिक्रिया, मतलब कैसा है 2.303 बटा टी, बटा टी लॉग, अब मैं 75% के लिए है लिख रहा हूं, टी 75% के लिए, ठीक है। अब यहां से ये कितना हो जाएगा लॉग 10, ये 100 बटा कितना 25, यही होगा 100 बटा 25, ए नॉट डिवाइडेड बाई एटी होता है। अब यहां से और ये टी 50 के लिए, इसको समीकरण नंबर एक दे दो, और इसको टी 50 के 50% के लिए, ये कितना हो जाएगा 2.303 टी लॉग 10 ए नॉट, तो ए नॉट कितना है 100 डिवाइड बाई 80, 80 कितना है 50, दैट्स इट, खत्म। समीकरण नंबर दो दे दो, क्या निकालना है ये निकालना, तो इनको आपस में क्या कर दो, भाग कर दो, समीकरण एक भागे दो करने पर, यार आप सब लोग कर लोगे, सब महान रथी हो आप लोग, जब ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी 75% बटे टी 50% इज इक्वल टू, जब इनका भाग देंगे तो देखो यहीं से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100 4 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये एक तरीके से कितना आ जाएगा 2 log 2, ऊपर वाला 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 2 log 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा log 2, तो यहां से ये खपाच खपाच, यानी कितना हो गया 2:1, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं तीसरा कर रहा हूं, दूसरा आप लोग करिएगा। तो यहां से T 99 का मतलब क्या हुआ कि A नॉट कितना है आपका 100 है, AT कितना बचा है वो आपका 1 बचा है, कितना बचा है, क्योंकि 1 ही तो बचेगा, 99 तो क्या हो गया खर्च हो गया। इसी तरह 90 में ये कितना है A नॉट 100 है, और ये 80 में कितना बचेगा 10 बचेगा, बस खत्म। तो यहां से T 99 के लिए, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जब देखोगे तो 2.303 बटे टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन एटी, तो ए नॉट कितना है 100 बटा 1, ठीक है डिवाइड, और ये समीकरण नंबर एक दे दो ना इसे 1, और ये कितना हो जाएगा टी 90%, ये कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, ये तो एक तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 10 बचा, तो यानी जब समीकरण नंबर दो, समीकरण एक भागे दो करेंगे, समीकरण
एक भागे दो करने पर जब आप इसका भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा या कितना बचेगा, ये 100 का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो लगता है वो लाग में बाहर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा t99% डिवाइडेड बाई t90% इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 log 10 डिवाइडेड बाई नीचे वाला कितने बचेगा log 10, तो log 10 से log 10 कैंसिल, यानी कि ये कितना बचा 2:1। इस वाले को आप लोग करके बताइएगा कि ये कितना आया। चलिए छाप लीजिए तो फिर आगे बढ़। छाप लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि देखिए अब यार इसको तो आप निकाल लेंगे, लेकिन देखिए फिर भी क्वेश्चन है। फिर से देखिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि K को प्रेशर के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो लिखेगा दाब के पद में वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब के प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ध्यान देना ये किसके लिए है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। या जैसे भी आपको सही लगे, तो K बराबर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए कितना होता है, K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यही होता है लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, यही होता है, ये तो बेस पे 10 लगा रहता है। ठीक, अब क्योंकि क्या है कह रहा है दाब के पदों में, तो दाब कब आएगा, जब सभी, जब अभिक्रिया में सभी, जब अभिक्रिया में सभी पद क्या हो, सभी पद गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में हो, तब के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10, ये कितना हो जाएगा पी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी, पी नॉट क्या है टी बराबर 0 पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता कह लो या दाब कह लो, ठीक है। और पीटी क्या है, पीटी है टी बराबर टी पर अभिकारक का दाब, पहले इसे छापो फिर अब क्रिया, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। छप गया, चलो देखो इसको हटा देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर से एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया क्या दिया हुआ है 2A से बन रहा है B प्लस का 2C बन रहा है, ये गैसियस अवस्था है, ये भी गैसियस स्टेट है और ये भी क्या है गैसियस अवस्था है। कह रहा है कि अभिक्रिया, यहां पर लिखिएगा अभिक्रिया शुरू होने के 10 मिनट बाद, अभिक्रिया
शुरू होने के 10 मिनट बाद पात्र का दाब 400 mm है। अब क्रिया शुरू होने के बाद 10 मिनट बाद कितना है? 400 mm। फिर दिया हुआ है कि जब अब क्रिया समाप्त हो जाती है, अब क्रिया के समाप्त होने पर अभी क्रिया के समाप्त होने पर कुल दाब 500 रहता है, 500 mm रहता है, 500 mm रहता है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया की, तो प्रथम कोट की इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, अर्ध आयु बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो समझो क्या लिखा हुआ है। ये आपको अभिक्रिया दी हुई है, क्या दिया हुआ है? अभिक्रिया दी हुई है, और 2A बराबर क्या बना रहा है? B प्लस का 2C, दोनों तीनों क्या है? गैसियस स्टेट में है। बात समझ में आएगी कि यहां पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया शुरू होने के 10 मिनट बाद पात्र का दाब कितना हो जा रहा है? 400 mm हो जा रहा है। मतलब टी बराबर 10 मिनट पर प्रेशर कितना है? 400 है। कह रहा है कि अभिक्रिया समाप्त होने पर कुल दाब कह रहा है कि 500 mm है। कितना है? 500 mm रहता है। तो प्रथम कोट की इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको 2 मिनट पॉज करके आप लोग लिखो। जब आप लोग इसको लिखोगे तो देखो अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि देखो ये आपकी अभिक्रिया दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बी प्लस का 2C, और ये सब किस में है? गैसियस में। मतलब टी बराबर 0 समय पर इसका प्रेशर कितना है? कैपिटल पी है। कितना है? कैपिटल पी। ये सब 0। ठीक है, टी बराबर टी पर मतलब कि टी बराबर टी 10 मिनट पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका प्रेशर पी से घटकर माइनस, ये स्मॉल पी है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है? स्मॉल पी। ये कितना हो जाएगा? ये पी और ये 2P। ये क्लियर हुआ यार? ये सब सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और ये आपको कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना है आपका? 400 mm। कितना है? 400 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये रहने दो, अभी पहले इसको लिख लेते हैं। फिर जब टी बराबर इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट समय पर ऐसी अभिक्रियाएं पूरी होती हैं, तो यहां पर प्रेशर पी से कितना हो जाएगा? जब पी हो जाएगा तभी तो आपकी अभिक्रिया पूरी मानी जाएगी, क्योंकि अब अभिकारक आपका एक भी नहीं बचेगा, तो कैपिटल पी माइनस का कैपिटल पी। अब यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल पी। क्या हो जाएगा? कैपिटल पी। और यहां पर जो संख्या रहती है उसका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहां पर 2P है, क्या है? 2 है, और पी की जगह पर क्या हो जाएगा? कैपिटल पी डिवाइडेड बाई इस संख्या का डिवाइड, मतलब ये पी बाई 2। मतलब कि ये कितना हो जाएगा? इसको मैं डायरेक्ट पी लिखे दे रहा हूं, आपको सब पता है। अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कि जब ये होता है पी माइनस का 2P प्लस का पी प्लस का 2P, और ये बराबर आपको दिया है कितना? 400 mm। कितना दिया है? 400 mm। क्लियर है? यानी कि खपाच से खपाच कट गया, यानी कि पी स्मॉल पी प्लस का कैपिटल पी बराबर आपको दिया हुआ है 400 mm। ये क्लियर हुआ? चलो इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब क्या करते हैं? अब एक चीज और दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है पी माइनस का पी
ये नीचे वाला प्लस का कैपिटल का पी बाई टू प्लस का कैपिटल का पी, ये बराबर कितना दे? जब आपकी अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो कितना है ये 500 है, तो ये पी से पी मर गया, ये कितना हो जाएगा 3p बाई 2 इज इक्वल टू 500, यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू, ये सब mm में है, यानी कि आपकी जो कैपिटल पी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, कैपिटल पी की वैल्यू आ गई है 1000/3 mm। तो यहां से आप स्मॉल पी की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, तो स्मॉल पी बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल पी बराबर ये आपका हो जाएगा, ढंग से यदि देखोगे तो पी की वैल्यू कितनी है, ये 400 माइनस का 1000/3, 3 × 12 यानी 200/3 mm आ गया। अब बुद्धि लगाना है आपको, अभी मैंने के किसके पदों में, दाब के पदों में लिखा था, वो भी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, के बराबर कितना था 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यही लिखा था कि नहीं लिखा था, यही लिखा था, आई होप हमने तो यही लिखा था, ठीक है, इनटू लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी, पी नॉट कितना है, पी है, और ये कितना है, पी टी कितना है, पी माइनस का 2p है, तो यहां से, और के बराबर, और आपको क्या पता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के बराबर होता है 0.693/t½, यार ये पुराने सब यूज किए हुए हैं तभी है मैं कह रहा हूं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू कितनी है 10 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लॉग पी नॉट पे ये कितना आया है, पी नॉट कितना आया है, मतलब पी कैपिटल पी आपका 1000/3 है, कितना है 1000/3, और पी टी कितना है, इसमें से कैपिटल पी में से 2p घटेगा, 2 स्मॉल p घटेगा, तो 2×2=400/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ढंग से यदि देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1000/3 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2p, मतलब 400/3, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, हटा दूं, छाप लिया होगा कुछ तो, छापा होगा, छाप लिया, चलो छापने में सबसे आगे हो, हटा दे, मुद्दे की बात यहीं से मैं अब ऊपर लिखे दे रहा हूं, देखो यहां से जब ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर देखो तो ये कितना बन जाएगा 0.693/t½ इज इक्वल टू 2.303/10 और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1000/3/ ये यहां से कितना, ये तो 3 ही रहेगा और ये ऊपर 600 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये टपक 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 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.693/t½ इज इक्वल टू 2.303/10 और ये हो जाएगा लॉग 10/6, इसकी वैल्यू अब आप लोग यहां से निकाल लोगे, ठीक है, जो भी आएगी आप लोग करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन खुद से करना पड़ता है, ठीक है, हल आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, कर लिया नहीं, चलो किए दे रहे, नहीं तो आप लोग रोओगे, सर नहीं किए, रोना नहीं भाई, देखो देखो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, ढंग से देखना, ये हो जाएगा 0.693/t½ इज इक्वल टू 2.303 हो गया, और ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log 10 माइनस का log 6, ये क्लियर, तो ये हो गया 0.693/2 2.303, log 10 की वैल्यू 1,
और लाख छः की वैल्यू, लाख छः की वैल्यू होती है 0.77। बता चुका हूँ कल याद करने के लिए बोला भी था। ये कितना हो जाएगा टी हाफ। अब यार इसको आप कर सकते हैं ख़त्म बात। ये पॉइंट है लगा हुआ, ये भी पॉइंट है। चलो गुणा भाग आप लोग कर लोगे, ये आपका इतना आएगा टी हाफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलो हटा दें इसे, हटा देते हैं। कुछ ज़्यादा तेज हो रहा है क्या आज? कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर जो है लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आखिरी क्वेश्चन है। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, रिएक्शन दी हुई है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है कि ए आपका क्या है, अभिकारक है, ये बना क्या रहा है, B प्लस का 2C बना रहा है, और ये भी गैस में है, ये भी गैस बना रहा है और ये भी गैस बना रहा है, और ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है। कैसी है प्रथम कोट की अभिक्रिया? कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर जो है, हम क्या करें, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंट्रीजर, कह रहा है कि 30 मिनट में पात्र का प्रारंभिक दाब 30 मिनट में पात्र का दाब 300 mm से बढ़कर 350 mm हो, यही है क्वेश्चन। हाँ, 350 mm हो जाता है। क्या बताना है? वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, खत्म बात। ये तो अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। देखो करते हैं ढंग से, देखना साल रिएक्शन क्या दिया हुआ है। ए बी प्लस का 2C, मतलब टी बराबर 0 समय पर ये कितना है, इसका प्रेशर पी है, ये सब क्या है 0, ये कैपिटल पी है, और टी बराबर 30 मिनट पे ये कितना हो जाएगा पी माइनस का स्मॉल पी, ये कितना हो जाएगा स्मॉल पी, ये कितना हो जाएगा स्मॉल पी 2 × स्मॉल पी होगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई है ना। ये सब लिखना बता चुका हूँ मैं। जब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये p माइनस का कैपिटल P, ये कितना हो जाएगा कैपिटल P, और ये हो जाएगा ये आपका, ये भी हो जाएगा आपका p बाई 2, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो उसका क्या होगा हाफ होगा, जो यहाँ पर रहेगा उसका हाफ। क्लियर है? पहले ये समझ लो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये समझ में आ गए तो चीज़ें ठीक हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। प्रश्नानुसार P बराबर क्या दिया हुआ है, बोला है कि शुरुआत में प्रसर 30 मिनट में पात्र का दाब कहां से कहां तक हो जाता, मतलब शुरुआती प्रसर कितना दिया हुआ, 300 दिया हुआ, तो ये पहले वाले के लिए कितना है 300 mm, और 30 मिनट बाद कह रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 350 हुआ जा रहा है, ये चीज है दिया हुआ है, तो P कितना है 300 mm है, और यहां से ये कितना हो जाएगा कैपिटल P माइनस का स्मॉल P प्लस का स्मॉल P प्लस का 2P इज इक्वल टू 350 mm, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो P बराबर कितना है 300, तो आपकी स्मॉल P की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल की P वैल्यू 25 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 mm। अब आपको क्या पता है K बराबर क्या पता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस पे 10 पी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी, ये तो 2.303 डिवाइडेड बाई
टी, टी की जगह पे कितना है 30 मिनट, तो इसको 30 लिख दिया। लॉग 10 बेस पे है 10, पी नॉट की जगह पे कितना है पी है, और पी टी की जगह पे कैपिटल पी माइनस का स्मॉल पी, ये रहा के, तो के बराबर ये आ जाएगा 2.303/30, और ये है लॉग बेस पे 10, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 300/300 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 275। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 0.40 मिनट समथिंग, यही है ये 0.0, के की वैल्यू आ रही है 0.046 मिनट, 0.046 मिनट इनवर्स। ये के की वैल्यू आ जाएगी, ये रहेगा आपका आंसर। तो ठीक है, ऐसे ही देखे सब आपको क्वेश्चन करना है, कोई बड़ी तोप चीज नहीं सिखाया हूं मैं आज, सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं, और यहीं से आपके कंपटीशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो बस आपको केयरफुल रहना। देखिए सब मैंने आज जो भी चीजें यूज की हैं सब पुरानी चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिर्फ अप्लीकेशन कैसे करना है वो बताया। देखिए यहां तक तो मैं आपको बता ही चुका था यहां तक कि प्रेशर वेशर कैसे निकालते हैं, बस ये आज हम आगे बढ़े हैं, बस प्रथम कोट के वकील की ये फार्मूला लगा देना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, खत्म बात। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।